Good afternoon, everyone. First of all, let me say a very happy new year to you all. Today is the first day of the year 2022. So, very happy new year to all of you. On this new year day, I am going to discuss one very important topic whose title is given here on the slide. Original Phillips curve, hypothesis, illustration, inferences and policy implications. तो नए साल की ये पहला दिन है और आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं. और इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिनल फिलिप्स कर्व. और चार चीजें हैं उसमें. एक हाइपोथेसिस क्या थी उस फिलिप्स कर्व की, इलस्ट्रेशन उसका, और उसके बाद उससे इंफ्रेंस क्या ड्रॉ कर सकते हैं, और लास्ट में पॉलिसी इम्प्लीकेशंस क्या हैं उसके. फिलिप्स कर्व उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितना ये कंसेप्ट इलास्टिसिटी का है या जितनी फिशर्स थ्योरी है. क्योंकि फिलिप्स कर्व भी जो डायनेमिक एग्रीगेट सप्लाई मॉडल है, सप्लाई कर्व है, उसका बेसिस प्रोवाइड करता है. तो इसलिए एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को हम छोड़ नहीं सकते हैं और इस पर एक पूरा इलस्ट्रेशन इसका देना जरूरी है. तो हमने शुरुआत ली है ओरिजिनल फिलिप्स कर्व से और बाद में जो मॉडिफिकेशंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके. तो आज सबसे पहले इस ओरिजिनल फिलिप्स कर्व के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे और तीन पार्ट में लेक्चर बांटा हुआ है. ये आज पहला पार्ट और यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि जो ओरिजिनल फिलिप्स कर्व है इट वाज गिवन बाय ए डब्ल्यू फिलिप्स. एक बात. दूसरी बात, वो न्यूजीलैंड के इकोनॉमिस्ट थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में काम करते थे और ये आर्टिकल 1958 में पब्लिश हुआ था और इसका टाइटल दिया हुआ है द रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेज रेट इन द यूनाइटेड किंगडम. 1861 से 1957 का पीरियड लिया हुआ है. लगभग 96 इयर्स के डाटा पर ये बेस करता है और कोई भी आर्टिकल जो लगभग 100 साल के डाटा पे, 100 इयर्स के डाटा पे बेस करता है, वो आर्टिकल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस कैरी करता है. और यहाँ पर इसलिए फिलिप्स कर्व के बारे में जानना और उसमें जो मॉडिफिकेशंस हुए हैं उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए. तो उसी पर आज चर्चा रहेगी. यहाँ पे जो सेकंड स्लाइड है उसमें दिया हुआ है कि द पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल इज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस विच हैज टू पार्ट्स. कि इस आर्टिकल का जो मुख्य उद्देश्य है वो हाइपोथेसिस को टेस्ट करना और उस परिकल्पना को, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना जिसके दो पार्ट्स हैं. पहला दिया हुआ है देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ चेंज इन मनी वेजेस. तो पहला पार्ट इसका जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप टेस्ट करना है कि क्या इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड रेट ऑफ चेंज इन मनी वेजेस. और दूसरा पार्ट है द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ मनी वेजेस इज नॉन लीनियर. जो रिलेशनशिप है वो नॉन लीनियर है, लीनियर नहीं है, इट इज नॉट लीनियर. तो इट हैज अ हाइपोथेसिस विच हैज टू पार्ट्स. वन दैट देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ चेंज इन मनी वेजेस एंड सेकेंड इज दैट दिस इनवर्स रिलेशनशिप इज नॉन लीनियर. और फिलिप्स ने इसके लिए जो डेटा सेट यूज किया था मैंने पहले भी बताया, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटिश इकोनॉमी का डाटा यूज किया था और 1861 से 1957 का एक ब्रॉड पीरियड लिया था और उसके डिफरेंट सब पीरियड्स में बांटा था. यहाँ पे लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू टेस्ट द हाइपोथेसिस फिलिप्स कंसिडर्ड द डाटा ऑफ चेंज इन मनी वेज रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर द यूके इकोनॉमी फॉर डिफरेंट पीरियड्स बिटवीन 1861 एंड 1957.
विच वन मेजर पीरियड वॉज इनिशियल पीरियड फ्रॉम 1861 टू 1930, 1913 तक का पीरियड। तो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश इकोनॉमी का डाटा लिया था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और चेंज इन मनी वेज रेट का, और उसको अलग अलग पीरियड में बांटा था। और एक जो सबसे बड़ा पहला पीरियड था वो 1861 से 1913 का लिया था। टोटल पीरियड इनका जो था कवर्ड था 1861 से 1957 का, और फर्स्ट जो इनिशियल पीरियड जो उन्होंने उसमें लिया वो 1861 से 1913 का लिया। और जो फिटेड रिलेशनशिप है इस पीरियड के लिए वो यहाँ पे डायग्राम में दिखाई गई है। ये डायग्राम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस कैरी करता है, बहुत महत्व कैरी करता है, और बड़ा ध्यान से समझने और बनाने की जरूरत है। यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, एक ए, ये 5.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.5% है तो यहाँ मनी वेज रेट की ग्रोथ जीरो है। तो ये पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है जब 2.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जब 2.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है तो मनी वेज रेट की ग्रोथ एग्जैक्ट 2% है। ये पॉइंट बी है, और इस ए बी से, बी ए से होता हुआ ये जो कर्व सी और ऊपर पी, तो ये पी बी ए सी ये फिलिप्स कर्व है, जो ओरिजिनल फिलिप्स कर्व जिसे कहते हैं, जो ए डब्ल्यू फिलिप्स ने कंस्ट्रक्ट किया था। और ऊपर लिखा हुआ है इसका पीरियड 1861 से 1913 का पीरियड था। एक्स एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है परसेंटेज टर्म्स में, और ऊपर है परसेंटेज चेंज इन मनी वेज रेट पर एनम। ये अगली स्लाइड है कि ये जो फिलिप्स कर बनाया गया है ये दोनों चीजें बता रहा है। पहली चीज ये कि ये इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है, बिकॉज द कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, एज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज इन मनी वेज रेट इज डिमिनिशिंग और डिक्लाइनिंग। और दूसरा ये रिलेशनशिप नॉन लीनियर है। यहाँ पे लिखा है फिलिप्स कर्व एस्टैब्लिश बोथ द हाइपोथेसिस दैट ऑफ इनवर्स एंड नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ चेंज इन मनी वेजेस। इसकी जो इक्वेशन एस्टिमेट की थी फिलिप्स ने, ये ओरिजिनल इक्वेशन है जो यहाँ लिखी गई है, W डॉट इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज इन मनी वेजेस, रेट ऑफ चेंज इन मनी वेजेस -0.90 प्लस 9.638 वन अपॉन यू टू दी पावर 1.394। ये ओरिजिनल इक्वेशन थी। इस इक्वेशन का अपने आप में बहुत महत्व है, और आगे चल के इसके महत्व को इलस्ट्रेट करेंगे, क्योंकि इसी से हमें इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करनी है। यहाँ पे वही इक्वेशन दोबारा हमने लिखी हुई है, क्योंकि इससे जो इन्फ्रेंस हमें निकालनी है वो आप आसानी से इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। और लिखा हुआ है फ्रॉम द एस्टिमेटेड इक्वेशन वन इट इज एविडेंट दैट व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 5.5% रेट ऑफ चेंज इन मनी वेज रेट इज जीरो और मनी वेज रेट टेंड टू रिमेन स्टेबल। यानी अगर हम उपरोक्त जो इक्वेशन वन है उसमें अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की जगह 5.5% ले लें, यानी अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को 5.5% माने और इक्वेशन वन को सॉल्व करें, तो यू की जगह अगर हम 5.5 रखेंगे तो यू टू दी पावर 1.394 है, उसकी वैल्यू 10.76 आएगी। आप करके देख लीजिएगा, और फिर 9.638 को डिवाइड कर दे 10.76 से तो 0.896 आएगा, यानी 0.90। तो W डॉट होगा -0.90 प्लस 0.90, यानी W डॉट जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि जब बेरोजगारी दर में जो परिवर्तन है वो 5.5% का होगा तो मनी वेज रेट वुड टेंड टू रिमेन स्टेबल, यानी देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द ग्रोथ रेट ऑफ मनी वेजेस, या मनी वेज रेट वुड टेंड टू रिमेन स्टेबल। और इसीलिए जो कर्व ए बनाया है यहाँ पे देखिए बताया, इन फिगर देयर फोर फिलिप्स कर्व, पीसी मतलब फिलिप्स कर्व पासिस थ्रू 5.5% विच लाइज एट पॉइंट ए। ये पॉइंट ए 5.5% का बनाया, यानी जब
5% बेरोजगारी दर होगी, तो मनी वेज रेट वुड टेंड टू रिमेन स्टेबल, यानी दे विल नॉट बी एनी चेंज इन द मनी वेज रेट। वो देखिए जीरो आपको दिखेगा ये पर, तो जीरो का मतलब है मनी वेज रेट वुड टेंड टू रिमेन स्टेबल, यानी अगर हमें मनी वेजेस स्टेबल रखना है तो बेरोजगारी की दर अनएम्प्लॉयमेंट रेट शुड बी अराउंड 5.5%। ये बिल्कुल क्लियर इससे है, इक्वेशन से, और आप ये कहीं से इसको और नहीं निकाल सकते। दिस इज वन इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस डिराइव फ्रॉम द ओरिजिनल फिलिप्स कर्व, ये पहला इन्फ्लुएंस है। Another important inference from the original Phillips curve emerges from the relationship. ध्यान से देखेगा। From the relationship that exists between change in money wage rate and inflation rate, which one could establish through markup pricing theory. ये जो दूसरी important relationship है वो inflation rate और unemployment rate के बीच में। पहली थी unemployment rate और rate of change in money wages. अब दूसरी है अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन रेट। लेकिन अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट को इन्फ्लेशन रेट से कनेक्ट करना है तो हमें यह दिखाना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन रेट और मनी वेज रेट चेंज में कोई ना कोई संबंध एग्जिस्ट करता है। द फर्स्ट रिलेशनशिप इज क्लियर, इट इज बिटवीन रेट ऑफ चेंज इन मनी वेजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। And when unemployment rate is around 5.5%, then money wage tend to remain stable. There is no doubt about that. The second relationship is between inflation rate and unemployment rate. तो अगर हमें inflation rate और unemployment rate में relationship दिखानी है तो हमें कहीं ना कहीं inflation rate को money wage rate से link करना पड़ेगा। और वो linking हम markup प्राइसिंग थ्योरी से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? मार्कअप प्राइसिंग थ्योरी। तो आइए मार्कअप प्राइसिंग थ्योरी की तरफ हम चलते हैं, और वो क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू मार्कअप प्राइसिंग थ्योरी कमोडिटीज आर प्राइज्ड एज अ फिक्स्ड परसेंटेज अबव द पर यूनिट लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी, because labor is regarded as the prime factor of production and hence labor cost are prime cost. So markup pricing theory kehti hai ki jo price hai commodities ka, it is fixed some percentage above the per unit labor cost. Ki jo per unit labor cost aati hai commodity ke production mein, usse kuch percentage upar hum commodity ka price fix karte hain. वो इसलिए करते हैं कि उसमें फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट परसेंटेज दोनों शामिल रहता है, और लेबर कॉस्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्लासिकल्स ने लेबर को प्राइम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना था, और लेबर कॉस्ट इसलिए प्राइम कॉस्ट कहलाती है। ये मान लीजिए हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है वाई इक्वल टू ए एल, लेबर पे ही डिपेंडेंट है, तो y टोटल आउटपुट है, l अमाउंट ऑफ लेबर है, टोटल लेबर जो एम्प्लॉयड है, तो a इक्वल टू y बाई l और एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। a क्या है? एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर है। इफ ईच वर्कर इज पेड वेज इक्वल टू w, अगर हर वर्कर को हम w वेज मान लीजिए पे करते हैं, और ए एवरेज प्रोडक्ट है, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर मतलब अगर मान लीजिए ए की वैल्यू 3 है, तो एक लेबर एम्प्लॉय करने से ऑन एन एवरेज 3 यूनिट आउटपुट मिलता है, और एक वर्कर को अगर हम डब्ल्यू वेज रेट दे रहे हैं तो डब्ल्यू बाई ए एवरेज लेबर कॉस्ट हो जाएगी। एक लेबर को मान लीजिए हम 75 रुपए दे रहे हैं और ए 3 है, तो 75/3 यानी एक यूनिट बनाने में जो एवरेज लेबर कॉस्ट लग रही है वो 25 रुपए लग रही है, 25 रुपए। तो डब्ल्यू बाई ए रिप्रेजेंट एवरेज लेबर कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज मार्क्ड अबव दिस एवरेज लेबर कॉस्ट।
और इससे ऊपर हमें कमोडिटी का प्राइस मार्क करना है, और उसका तरीका यहाँ लिखा हुआ कि P इक्वल टू W बाई ए एवरेज लेबर कॉस्ट प्लस जेड, जेड एक तरह से मार्कअप फैक्टर है, इनटू W बाई ए यानी जेड परसेंटेज अबव W बाई ए। W बाई ए कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस जेड अंदर आएगा, इट इज टर्म्ड एज द मार्कअप फैक्टर। दोनों तरफ लॉग ले लें तो लॉग P इक्वल टू लॉग W माइनस लॉग ए प्लस लॉग 1 प्लस जेड। P को डिफरेंशिएट कर दें लॉग P को, तो 1 अपॉन DP यानी चेंज इन प्राइस या इन्फ्लेशन रेट है, ध्यान से सुनिएगा, 1 अपॉन P DP चेंज इन प्राइस या इन्फ्लेशन रेट है। लॉग W 1 अपॉन W DW है, चेंज इन मनी वेज रेट, माइनस लॉग A 1 अपॉन A DA यानी चेंज इन एवरेज प्रोडक्ट, और जेड मार्कअप फैक्टर है जो फिक्स है, इसलिए उसका डिफरेंशियल जीरो है। तो यहां पे शॉर्ट में लिखा P डॉट इक्वल टू W डॉट माइनस A डॉट। तो W डॉट फिर से चेंज इन मनी वेज रेट है, A डॉट चेंज इन एवरेज प्रोडक्ट, और P डॉट चेंज इन इन्फ्लेशन रेट। तो ये भी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, P डॉट इक्वल टू W डॉट माइनस A डॉट, यानी अब आप मनी वेज रेट को लिंक कर ले रहे हैं इन्फ्लेशन रेट से, यानी मनी वेज में से आप एवरेज प्रोडक्ट घटा दीजिए तो उतना इन्फ्लेशन रेट होगा। तो ये इक्वेशन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने शुरू में कहा कि अगर आपको इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कोई भी निष्कर्ष निकालना है तो आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन रेट को चेंज इन मनी वेज रेट से लिंक करना पड़ेगा, और ये लिंकिंग इक्वेशन है P डॉट इक्वल टू W डॉट माइनस A डॉट, ये लिंकिंग इक्वेशन है, बगैर इसके लिंक के आप आगे नहीं बढ़ सकते। कई किताब आप पढ़ेंगे वो डायरेक्ट एक इनवर्स कर्व बना देते हैं और ये कहते हैं फिलिप्स कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लेकिन वो कैसे इन्फ्लेशन रेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच रिलेशनशिप दिखाएगा जब तक आपको ये लिंकिंग इक्वेशन नहीं पता। यू हैव टू कन्वर्ट चेंज इन मनी वेज रेट इनटू द इन्फ्लेशन रेट, और वो इक्वेशन 3 आपको कन्वर्ट करके बताती है। बगैर इस इक्वेशन के आप डायरेक्ट फिलिप्स कर्व का रिलेशनशिप इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच नहीं देख सकते। तमाम किताबों में जो कर्व बनाते हैं वो ठीक नहीं है। यहाँ लिखा भी हुआ P डॉट इज इन्फ्लेशन रेट, W डॉट इज चेंज इन मनी वेज रेट, A डॉट इज चेंज इन एवरेज प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे लिखा है लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी फॉर UK इकोनॉमी इज अबाउट 2% पर एनम, कि लॉन्ग रन में ये देखा गया है कि जो प्रोडक्टिविटी है UK इकोनॉमी के लिए लगभग 49 से, अगर हम 69 का पीरियड लें, 68-69 के आसपास तक का, तो लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी लगभग 2% थी UK इकोनॉमी की, और अगर हम इट सजेस्ट, यहां पे लिखा इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन 3 इट सजेस्ट दैट फॉर प्राइसेस टू रिमेन स्टेबल, यानी इक्वेशन 3 को अगर लें और उसमें अगर हम प्रोडक्टिविटी इंडेक्स यानी ए डॉट की वैल्यू 2% रखें और मनी वेज रेट भी अगर 2% से बढ़ रही है तो पी डॉट इक्वल टू डब्ल्यू डॉट माइनस ए डॉट, डब्ल्यू डॉट भी 2% से बढ़ रहा है और प्रोडक्टिविटी भी 2% से बढ़ रही है, तो उस केस में इन्फ्लेशन रेट जीरो होगा यानी प्राइस वुड टेंड टू रिमेन स्टेबल। तो इक्वेशन 3 आपको ये बता देगी कि फॉर प्राइसेस या फॉर इन्फ्लेशन रेट टू रिमेन स्टेबल वेजेस मनी वेज रेट शुड इंक्रीज बाय 2%, मनी वेज रेट मस्ट इंक्रीज बाय 2%, अगर मनी वेज रेट 2% से बढ़ेगा तब, व्हेन विल मनी वेज रेट इंक्रीज बाय 2%, जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2.5% होगा। कैसे, वो इक्वेशन में आप वैल्यू रख के देख लीजिए।
इक्वेशन वन बताई थी ओरिजिनल फिलिप्स कर्व की, डब्ल्यू डॉट इक्वल टू माइनस 0.90 प्लस 9.638 अपॉन 1 बाई यू टू द पावर 1.394। अब यहाँ पे अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट की वैल्यू 2.5% आप रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो W डॉट लगभग 1.8 के आसपास आएगी, या उसे हम 2% मान सकते हैं। तो W डॉट 2% से तब बढ़ेगा जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2.5% होगा, याद रखिए। अब वो 2.5% अपने आप नहीं आया, उसी ओरिजिनल फिलिप्स कर्व की इक्वेशन से निकाला गया। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2.5% होगा तो वेज रेट 2% से बढ़ेगी और प्राइस स्टेबल रहेगा। ये जो बी पॉइंट है ये उसी को ध्यान में रख के बनाया गया। ए पॉइंट पहली बात को ध्यान में रख के बनाया गया था कि जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.5% होगा तो मनी वेज रेट की ग्रोथ जीरो होगी, रेट ऑफ चेंज इन मनी वेजेस वुड बी जीरो, यानी वेजेस वुड टेंड टू रिमेन स्टेबल। और दूसरी बात कि जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2.5% होगा तो मनी वेज रेट वुड इंक्रीज बाय 2%, और जब 2% से बढ़ेगा और 2% से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो पी डॉट जीरो हो जाएगा, यानी प्राइस वुड टेंड टू रिमेन स्टेबल। अब प्राइस स्टेबल रहेगा, वो नहीं बढ़ेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट इन्फ्रेंस हैं जो आप फिलिप्स कर्व से निकाल सकते हैं, और ये दोनों इन्फ्रेंसेज यहाँ पे कोट किए गए हैं। दोनों इन्फ्रेंसेज यहाँ पे कोट किए गए हैं। पहला है मनी वेज रेट टेंड टू रिमेन स्टेबल व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 5%, दैट इज ग्रोथ रेट ऑफ मनी वेज रेट इज जीरो एट 5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मनी वेज रेट टेंड टू रिमेन स्टेबल व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 5%, दैट इज ग्रोथ रेट ऑफ मनी वेज रेट इज जीरो एट 5% अनएम्प्लॉयमेंट। यानी जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.5% यहां लिखना चाहिए था, इट शुड बी 5.5। व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 5.5 इसे करेक्ट कर लीजिएगा, देन मनी वेज रेट वुड टेंड टू रिमेन स्टेबल। ये पहली बात है 5.5% जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहेगा तो मनी वेज रेट वुड टेंड टू रिमेन स्टेबल, यानी मनी वेज रेट में फिर चेंज नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ 2% से है और अगर प्राइस को हमें स्टेबल रखना है, यानी इन्फ्लेशन रेट टू बी जीरो, तो मनी वेज रेट जो है तो 2% से बढ़ना चाहिए, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2.5% होना चाहिए। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2.5% होगा, मनी वेज रेट 2% से बढ़ेगी, और अगर प्रोडक्टिविटी भी 2% से बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन रेट जीरो हो जाएगा, यानी प्राइस वुड टेंड टू रिमेन स्टेबल। तो प्राइस स्टेबिलिटी के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2.5% होना चाहिए, वेज स्टेबिलिटी के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.5% होना चाहिए। ये तो इंपॉर्टेंट इन्फरेंस है सीधी सीधी का कि प्राइस स्टेबिलिटी के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना होना चाहिए, 2.5%, और वेज स्टेबिलिटी के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.5% होना चाहिए, या 5 लिखा उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, पीछे 5.5 है। फिलिप्स का देयरफॉर रिप्रेजेंट अ यूजफुल मेट्रिक, एक यूजफुल टूल है, मेजरमेंट टूल है टू डिसाइड ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट। यानी आप अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट में जो ट्रेड ऑफ करना चाहते हैं कि कितना आप अनएम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हैं और कितना आप इन्फ्लेशन बियर करना चाहते हैं, वो पॉलिसी मेकर्स डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ लिखा अगर इफ सोसाइटी प्रीफर्स प्राइस स्टेबिलिटी, अगर वो प्राइस स्टेबिलिटी चाहता है तो 2.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज दैट अलाउज मनी वेज टू राइज एट द सेम रेट एज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। और अगर कंप्लीट वेज स्टेबिलिटी चाहिए कि वेजेस बढ़े ना, देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज टू बी हायर, वो 5.5% होना चाहिए, या 5.5 लिखा। इट इज फॉर द पॉलिसी मेकर्स टू डिसाइड वेदर दे प्रीफर हायर इन्फ्लेशन और लो अनएम्प्लॉयमेंट एंड वाइस वर्सा।
ये पॉलिसी मेकर्स को डिसीजन लेना है कि वो हायर अनएम्प्लॉयमेंट चाहते हैं और लोअर इन्फ्लेशन, या लोअर अनएम्प्लॉयमेंट और हायर इन्फ्लेशन चाहते हैं। तो ये ओरिजिनल फिलिप्स कर्व की बात थी जिसका जिक्र A.W. फिलिप्स ने किया था, और जो टोटल डेटा पीरियड उनका था वो 1861 से 1957 तक का था। लेकिन जो डेटा पीरियड 1968 से 82 के बीच देखा गया और उसमें जो फिलिप्स का ड्रॉ किया गया, वहां पे एक ब्रेकडाउन दिखाई पड़ा। ये जो इन्वर्स रिलेशनशिप है, यहां उसी पॉइंट को हम कवर करने जा रहे हैं, ब्रेकडाउन एंड शिफ्टिंग ऑफ फिलिप्स का। यहां पे दिखा गया है कि डेटा फॉर द यूके इकोनॉमी फॉर 68 to 82 शोज स्पाइरलिंग पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन रेट। यानी 1968 से 82 तक का जो पीरियड ड्रॉ किया गया है रिलेशनशिप का, इन्फ्लेशन रेट में और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में, उसमें ये एक स्पाइरल पैटर्न आपको दिखाई पड़ेगा घूमता हुआ, और ये स्पाइरलिंग अपवर्ड है, डाउनवर्ड नहीं है, अपवर्ड स्पाइरलिंग है। और ये शो करता है कि यहां पे तीन इंपॉर्टेंट फेजेस हैं स्टैगफ्लेशन की। एक इस पीरियड है 1970 के आसपास का, दूसरा पीरियड जो है वो आपको दिखाई देगा 1973 से 75, और तीसरा पीरियड आपको दिखाई देगा 1979 से 1982 तक का। ये यहां पे लिखा हुआ है, दिस स्पाइरलिंग पैटर्न रिवील्स दैट ओवरऑल ट्रेंड इज बोथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन रेट टू इंक्रीज, कि दोनों बढ़ रही हैं, इंडिकेटिंग वर्सनिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट फॉर द सोसाइटी। इस सोसाइटी के लिए एक डिस्कम्फर्ट है, और वो डिस्कम्फर्ट इंडेक्स सम होता है इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। फ्रॉम द फिगर वन कैन नोटिस थ्री डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ वायरलेंट स्टैगफ्लेशन। ये तीन अलग अलग फेजेस है वायरलेंट स्टैगफ्लेशन के, विच मार्क द स्टार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ स्टैगफ्लेशन। और ये तीनों फेजेस हमने अभी आपको बताया 1970, 73 से 75 और 79 से 82 तक। अब पहला फेज जो है वो पीक 70 में है, 1970 वाज द पीक, लेकिन उसकी शुरुआत थोड़ी पहले हो गई थी, 1965 में हो गई थी। यानी अगर आप यहां पे, हमने हिस्ट्री यूएस की दी हुई है थोड़ा सा, और यूएस हिस्ट्री में ये देखा गया है कि 1960 से 65 के बीच इन्फ्लेशन रेट लगभग 1.14% था, लगभग 1% पर एनम था, लेकिन 65 से 70 के दशक में ये लगभग 4% के आसपास हो गया, 4.25% पर एनम। तो काफी तेज बढ़ा इन्फ्लेशन, लगभग 4 times इंक्रीज हो गया। और 1970 में ये 5.6% था, बहुत हाई था, एवरेज से भी हाई था। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% हो गया, जो कि 3.5% पिछले 2 सालों में था। तो 70 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेजी से बढ़ गया और इन्फ्लेशन रेट भी। और ये पहला फेज है जिसे हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं, कि एक तरफ स्टैग्नेशन है इकोनॉमी में, आउटपुट ग्रो नहीं कर रहा, इंप्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा, और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन रेट बराबर बढ़ता जा रहा है, 1.14% से हट के लगभग 4% पर एनम, और 70 में इट वाज 5.6%। और इसके लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखे गए, पहला कि हाई डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द यूएस गवर्नमेंट हु वाज एंगेज्ड इन द वियतनाम वॉर। तो वियतनाम वॉर में यूएस इन्वॉल्व था, और उसकी वजह से काफी हाई गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर अपना करना पड़ा, और दूसरा था हाई सोशल वेलफेयर एक्सपेंडिचर विदाउट रेजिंग टैक्सेस, यानी टैक्सेस नहीं बढ़ाए, और दूसरी तरफ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम से बहुत एक्सपेंडिचर था,
और जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट हाई रहा और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन रेट बढ़ा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट और आउटपुट स्टैग्नेशन दिखाई देने लगा। दूसरा फेज था 73 से 75, जो तीन फेजेस वायलेंट स्टैग्फ्लेशन के। 73 से 75 या फेज था, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो पहले 6% के करीब था 70 में, अब 8.2% हो गया, और इन्फ्लेशन रेट 5.6 था, वो बढ़ के 7% हो गया। और इसका मुख्य कारण था तीन चीजों के दाम बढ़े, 3F कहते हैं, 3F, फूड फ्यूल एंड फर्टिलाइजर। 3F या फूड फ्यूल एंड फर्टिलाइजर के दाम बहुत तेजी से बढ़े। 73 से 75 का पीरियड फूड क्राइसिस का था, और 74 में फर्टिलाइजर दाम बहुत बढ़े, और 74 के ही आसपास फर्स्ट ऑयल क्राइसिस रहा, जिसमें पेट्रोल के दाम 4 गुना बढ़ गए, और इन्फ्लेशन रेट 1974 पे पीक पे था, 12% इन्फ्लेशन रेट था डबल डिजिट में, और अल्टीमेटली वो कम होके फिर 7% हुआ 75 में। और थर्ड फेज जो था 79-82 के बीच का था, इसका मुख्य कारण पेट्रोल प्राइसेस ही थे, ऑयल क्राइसिस की वजह से ये हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 79 में 6% था, और ये बढ़ के 13% हो गया अल्टीमेटली 79 के एंड में, और इन्फ्लेशन रेट 12.5% था 1980 में, जो घट के 9% 81 में हुआ, और 4% 82 में। ये जो इन्फ्लेशन रेट कम हुआ, इसका मुख्य कारण मेन ये था कि जो सारी पॉलिसीज थी वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लगाई गई, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो बढ़ा लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ। और एक बार इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ तो धीरे धीरे करके इकोनॉमी भी एक्सपेंड करने लगी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरने लगा। 82 के बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट धीरे धीरे गिरने लगा। तो ये जो पॉलिसीज, इसको फ्रीडमैन फेल्स ने नाम दिया विन पॉलिसीज, विप इन्फ्लेशन नाउ, यानी अगर आप आज इन्फ्लेशन कर्व नहीं करेंगे देन यू विल नॉट सक्सीड इन रिस्टोरिंग द नॉर्मेलिसी इन द इकोनॉमी। तो आप इकोनॉमी में नॉर्मेलिसी रिस्टोर नहीं कर सकते, यानी आउटपुट को नहीं बढ़ा सकते और बेरोजगारी कम नहीं कर सकते। और तब से लेके आज तक ये कोशिश रहती है कि जब जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ने लगता है तब तक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी परसू की जाती है। या अगर स्टैगफ्लेशन भी है, बेरोजगारी ज्यादा है और इन्फ्लेशन भी है, तो सरकार को पहले इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में ध्यान देना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन जो है वो परपिचुएट करेगा। यहां पे लिखा भी हुआ है, दिस इज बिकॉज इफ वी अकोमोडेट इन्फ्लेशन एंड कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करें और इन्फ्लेशन को अकोमोडेट करते जाएं, देन एक्सपेक्टेशंस ऑफ हायर इन्फ्लेशन वुड बी इंट्रेंच्ड इन द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक एजेंट्स। यानी तो जो एजेंट्स हैं, चाहे एम्प्लॉयर हो चाहे एम्प्लॉयज हो, वो ये समझेंगे कि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन अकोमोडेट कर रही है और वो अपनी वेजेस को बराबर बढ़ाते जाएंगे उसी उम्मीद में कि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन अकोमोडेट करेगी। तो एक जो टेम्पररी स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन है वो परमानेंटली इन्फ्लेशन में तब्दील हो जाएगी, इसलिए पहले इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेना चाहिए और बाद में अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप कंट्रोल होगा। नहीं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देन एक्सपेक्टेशंस ऑफ हायर इन्फ्लेशन वुड बी इंट्रेंच्ड इन द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक एजेंट एंड दिस वुड कन्वर्ट सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन इनटू एन इन्फ्लेशन नर्चर्ड बाय एक्सेस डिमांड। एक सप्लाई शॉक से जो इन्फ्लेशन जनरेट हुआ है वो कंटिन्यूस इन्फ्लेशन टेंडेंसी में बदल जाएगा, और बाय बूस्टिंग एक्सेस डिमांड, क्योंकि एवरी टाइम वेज इंक्रीज वुड बी डिमांडेड बाय द एम्प्लॉइज। द पॉइंट टू कॉम्प्रीहेंड इज हाउ एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्फ्लेशन आर फॉर्म्ड। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि
एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्फ्लेशन कैसे फॉर्म होती हैं एंड हाउ डज इट इन्फ्लुएंस फिलिप्स कर्व, और फिलिप्स कर्व को कैसे प्रभावित करती हैं, ये ज्यादा समझने की जरूरत है। और यहाँ लिखा टू बी डिस्कस, जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर मेनली ओरिजिनल फिलिप्स कर्व पे था एंड ब्रेक डाउन ऑफ द फिलिप्स कर्व और उसके कारण दिए हैं, और उन कारणों से पता चलता है कि स्टैगफ्लेशन को दूर करना है तो पहले इन्फ्लेशन कंट्रोल करना पड़ेगा थ्रू टाइट मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, और बाद में अपने आप इकोनॉमी एक्सपेंड करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। लेकिन अगर हम पहले अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल करेंगे और बाद में ध्यान देंगे इन्फ्लेशन की तरफ, तो इन्फ्लेशन विल बिकम अ परमानेंट फिनोमिना। We have to live with higher and higher inflation rate. और जिसकी सोशल और इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज्यादा रहेगी। इसलिए फ्रीडमैन और फेल्स दोनों का यह मानना था कि विप इन्फ्लेशन ना हो, पहले इन्फ्लेशन को विप करो, देन ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ विल इंप्रूव, अनएम्प्लॉयमेंट विल बी कर्व्ड एंड नॉर्मेलिसी वुड बी रिस्टोर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसकी इंपॉर्टेंट लेसन है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्फ्लेशन कैसे फॉर्म होती है। तो तब तक के लिए आपसे गुड बाय एंड गुड लक टू यू, बेस्ट विशेस अगेन फॉर द न्यू ईयर। और लेक्चर में कोई भी कमी हो आप पूछ सकते हैं किसी भी टाइम उससे, और अब कोई बार बार मुझे अपना फोन नंबर बताने की नहीं जरूरत है, पहले लेक्चर्स में सबमिट दिया हुआ है। थैंक्स एंड गुड विशेस टू यू ऑल।